नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के जनसंपर्क अभियान के क्रम में मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर पूर्व सांसद का स्वागत हुआ। रानी की सराय में आयोजक श्री कृष्ण गुप्त, धनंजय राय फरिया शिव मंदिर पर आयोजक शिव कुमार, राम गधोई में आयोजक सूर्य नारायण सिंह, पूर्व प्रधान खंडापुर में राजगुरु मिश्र अंकुर जायसवाल द्वारा आयोजित चौपालों को संबोधित भी किया गया। इस दौरान तहसीलवार एसोसिएशन पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता हवालदार सिंह का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह एवं हवालदार सिंह ने चंदेल वंश के पूर्वज बाबा श्री चित्रशाह महाराज की अगंधुआई में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री की होने वाले जनसभा स्थल पर भूमि पूजन में भी भाग लिया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग विचारधारा के लोगों द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया है। सबके घोषणा पत्र अलग हैं। इंडिया गठबंधन में सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं। गठबंधन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन कभी भी जनता के लिए विश्वास पर खरा नहीं उतर सकता। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ बीजेपी सरकार लगातार बिना भेदभाव के विकास का काम कर रही है। राष्ट्रीय विचारधारा को सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। वही राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इस मौके पर ओमकार पांडे, वीरेंद्र सिंह, संजय राय, ओम प्रकाश सिंह, श्याम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे।